नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम शिवराज ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से एक बार फिर सवाल पूछा है। सीएम ने कहा कि कमलनाथ ने बैगा भारिया सहरिया अत्यंत पिछड़ी जाति के साथ धोखा किया है। बहनों का 1,000 रुपए बंद कर दिया। वहीं सीएम ने कहा कि इंदौर में पेड़ों की देखभाल के लिए ट्री एम्बुलेंस की सौगाती है। शहरों में सड़कों के किनारे बगीचों में अगर कोई पौधा बीमार होता है तो एम्बुलेंस शहर में पौधों की देखभाल करेगी, कीटनाशक का छिड़काव करेगी और कॉल आने पर यह एम्बुलेंस सीधे पौधे का उपचार करने पहुंचेगी। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि पेगासस राहुल गांधी के दिमाग में घुस गया है। मुझे तरस आता है इनकी बुद्धि पर। ये विदेश की धरती पे जाके हमारे देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, विदेशी दूतावास में जाके भारत विरोधी बातें करते हैं। कांग्रेस का नया एजेंडा है विदेशों में भारत को बदनाम करो। देश में नहीं चल रही है कांग्रेस, साफ होती जा रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिल में बसे। अब उनके काम का कोई जवाब नहीं है। देश की कीर्ति और प्रतिष्ठा चारों तरफ बढ़ रही दुनिया में। अब तो पूरी दुनिया के राष्ट्र प्रमुख कहते हैं कि मोदी जैसा कोई नहीं। नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान है। अब देश में कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो विदेश में ही जाके आलोचनाएं करो। विदेशी धरती पर भारत की आलोचना करना, देश की आलोचना करना, ये देश विरोधी कदम है राहुल गांधी जी, और इसलिए देश और देश की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। मैं कमलनाथ जी से दोहरा के फिर एक सवाल पूछ रहा हूं। वो लाडली बहना पे सवाल उठा रहे हैं। मैं आज बहुत जिम्मेदारी से पूछ रहा हूं कमलनाथ जी, आपको जवाब देना होगा। मैंने पहले भी पूछा, जवाब नहीं आया। हमने बेगा भारिया सहरिया बहनों को 2017 में 1,000 रुपया उनके खाते में डालना शुरू किया था ताकि परिवार में बच्चों का पोषण ठीक से कर सके। जब तक हमारी सरकार रही 2018 तक हमने वो 1,000 रुपया बहनों के खाते में डाला। आपने सरकार आते ही कमलनाथ जी बेगा भारिया सहरिया जो अत्यंत पिछड़ी जाति की हमारी बहनें हैं उनका 1,000 रुपया बंद क्यों कर दिया, खाते में क्यों नहीं डाला? आज मेरी बहनें आपसे सवाल पूछे। प्रधानमंत्री जी सच कहते हैं कि इंदौर एक दौर है जो समय के आगे चलता है। इंदौर ने एक और नवाचार किया है। हमने मनुष्यों के लिए एम्बुलेंस देखी थी, पशुओं के इलाज के लिए भी एम्बुलेंस चली, लेकिन अब इंदौर में पेड़ों के इलाज के लिए ट्री एम्बुलेंस प्रारंभ हुई है। शहरों में सड़कों के किनारे बगीचों में अगर कोई पौधा बीमार होता है तो शहर में पौधों की देखभाल करेगी, कीटनाशक का छिड़काव करेगी और कॉल आने पर ये एम्बुलेंस पौधे का उपचार करने पहुंचती है। मैं इंदौर को इस नवाचार के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि पेड़ भी अपने हैं, पेड़ है तो हम।